प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल हल्द्वानी महानगर के चुनाव लगभग अंतिम चरण में है, जिससे मुख्य पद महानगर अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। बाकी महामंत्री समेत कई अन्य पदों को लेकर अभी चुनावी प्रक्रिया चल ही रही है। निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष योगेश शर्मा से आज न्यूज जंक्शन 24 की रिपोर्टर विंध्या ढीगरा ने बातचीत की और उनसे आम व्यापारियों के मुद्दे, उनके समस्याएं, उनके गुस्से समेत सभी बिंदु पर सवाल किए, जिस पर महानगर अध्यक्ष योगेश शर्मा ने बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए उन्होंने कहा, वे खुद व्यापारी हैं और हर व्यापारी की समस्या को समझते हैं। हर हालत में व्यापारियों की समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नव निर्वाचित अध्यक्ष योगेश शर्मा। नमस्कार, मैं विंध्या ढींगरा आपका स्वागत करती हूँ न्यूज जंक्शन 24 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष योगेश शर्मा जी। सर, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगी कि आप एक बार फिर निर्विरोध व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव जीत चुके हैं। मैं इस बार निर्विरोध जीता हूँ। इससे पिछले इलेक्शन में ऐतिहासिक वोटों जीता था और मैं आप लोगों को धन्यवाद स्वीकार करता हूँ। आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसे स्वीकारा। लेकिन मैं आप लोगों को फिर बताना चाहता हूँ कि शहर के 95% व्यापारी हमारे साथ थे, सारे लोग सरेंडर कर गए अपनी हार का भय देख के। यही वजह थी कि जनता ने हमें सिर माथे पर बैठाया, व्यापारी ने हमें सिर माथे पर बैठाया, हमें बड़ा प्यार दिया। उनके प्यार के आगे सारे विरोधी धराशायी हो गए कि मेरी जीत नहीं, ये व्यापारियों की जीत है, आम जनता की जीत है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कल हम बाज़ार में गए थे और हमने व्यापारियों से व्यापार की समस्या पूछी कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आप क्या चाहते हैं कि व्यापार मंडल किन समस्याओं पर काम करें। तो व्यापारियों का कहना था कि हाँ, व्यापार मंडल में बहुत सारे गुट बने हुए हैं, हम किसी को कोई समस्या बताते हैं तो दूसरा गुट हमारी समस्याओं का समाधान करने से मना कर देता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताऊँ, व्यापारी को गुट हैं 4, लेकिन जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ चुनावी प्रक्रिया होती है, जहाँ चुनावी प्रक्रिया से चुनाव व्यापारी अपने वोट का प्रयोग करके प्रत्याशी को जिताता है, वो एकमात्र हमारा संगठन है। पूरे उत्तराखंड में हमारी 377 इकाइयाँ हैं जो कि सब बाय इलेक्शन आती हैं, जीत के आती हैं। इसलिए मैं आपको एक बार साफ कर देना चाहता हूँ कि संगठन वही होता है जो चुनाव लड़ के आए, उसी को आप व्यापारी संगठन कहेंगे। पिछली बार भी मैं आपको बताऊं, नगर निगम ने दुकानों का किराया 500 से 700% तक बढ़ा दिया था। हमने 14 दिन लगातार आंदोलन किया, इस आंदोलन में हमें सफलता मिली। ये सब व्यापारी को सफलता थी, सब मिलीजुली टीम की सफलता थी। उसके बाद सेल टैक्स वाले के खिलाफ हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, उसमें भी हमें सफलता मिलती। लेकिन ये सब सफलताएँ एक व्यापारी की सफलता है, ना कि व्यापार मंडल की। व्यापार मंडल मतलब व्यापारी। तो सर, लोगों का कहना ये भी था कि जब हम यहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे लिए कोई भी जगह चिन्हित नहीं करी गई है और शाम को पुलिस वाले आते हैं और हमारा चालान काट के चले जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? अब मैं अपने व्यापारी भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आज के बाद ना तो कोई पुलिस वाला बाजार में घुसेगा, ना कोई अधिकारी बाजार में घुसेगा। अगर घुसेंगे तो ये मुंह खाएंगे और ये नंगे पाँव इन्हें भगाया जाएगा। मैं व्यापारी की तरफ से आप वादा करता हूँ या आह्वान करता हूँ कि कोई भी पुलिस अधिकारी या किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी बाजार में घुसने की चेष्टा ना करे। चेष्टा करेगा तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार है, ये मेरे व्यापारी भाइयों से वादा है। तो सर, व्यापारियों का कहना ये भी था कि जैसे व्यापार मंडल के जो भी अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वह कभी भी बाज़ार में आकर हमारी समस्याओं का मुआयना नहीं करते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं क्या समस्याएं, या हम उनके पास जाते हैं तो हमारी समस्याओं की सुनवाई भी नहीं होती है। ये सिर्फ 1% लोग हैं जो हमारे विरोधी कह सकते हो आप उन्हें। हम लगातार बाज़ार में रहते हैं, लगातार लोगों टच में रहते हैं। आपने मेरा नॉमिनेशन देखा होगा, शहर का व्यापारी भरी बारिश में भी उमड़ के आया, रोड पर पूरा जनसैलाब था। इस बात का एहसास आप इस चीज से लगा सकते हैं कि हमने पिछले कार्यकाल में क्या किया। हम हर व्यापारी की समस्या सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा व्यापारी भाइयों से वादा है ये। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस बार मतलब आप सारी समस्याओं का हल करेंगे, व्यापारियों को पिछली बार की तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। व्यापारी पिछली बार भी परेशान नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया सिर्फ 1% लोग हैं जो कि आप उन्हें हमारे एंटी ग्रुप भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था 95% वोट हमें पड़ेगा, ये जनता ने दिखा दिया था भरी बारिश में नॉमिनेशन करा के कि व्यापारी वर्ग किस तरीके से योगेश शर्मा के साथ है, ये आप पूरे शहर ने देखा।
हर व्यक्ति ने देखा, हर नेता ने देखा, हर अधिकारी ने देखा कि जनता बारिश में किस तरह टूट के उमड़ रही थी। तो मतलब व्यापारियों को जो कल व्यापारी परेशान थे, तो इस बार उनकी सारी समस्याओं का हल होगा और उन्हें आगे परेशानियों का सामना नहीं करना। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, व्यापारी भाई को विश्वास दिलाता हूँ, ना कल कोई समस्या थी ना आज कोई समस्या है। कोई भी व्यापारी भाई हमारा परेशान नहीं होगा, मेरा व्यापारी भाइयों से वादा है। पहले खुद डटे, उसके बाद हम उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि हम वो लोग हैं, हमारे रात के 2:30 बजे भी व्यापारी के लिए, हम सुबह के 8 बजे हम व्यापारियों के लिए समर्पित हैं, उनकी हर समस्या का निदान करेंगे, ये मेरा वादा है। तो ये हमारे साथ थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष योगेश शर्मा जी। इन्होंने कहा कि व्यापारियों को अब से कोई समस्या नहीं होगी। इन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि अब से उनकी सारी समस्याओं की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा पहले भी होती थी, अब भी होगी, उनको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ बने रहिए न्यूज़ जंक्शन 24 के साथ आगे की खबरें देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।